हेलो एवरीवन, आई एम रोहित कुमार। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फिन निफ्टी यानी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिन निफ्टी क्या है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं और फिन निफ्टी में किस कंपोनेंट का कितना वेटेज है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम ये भी जानेंगे कि फिन निफ्टी में हम ट्रेड और इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो अब जानिए कि फिन निफ्टी है क्या। बेसिकली यह एक इंडाइसेस है। जिस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इंडाइसेस है, उसी तरह से फिन निफ्टी भी एक इंडाइसेस है। और फिन निफ्टी में टॉप 20 फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं और इस 20 फाइनेंशियल स्टॉक्स में बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं, हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स हैं और इंश्योरेंस कंपनी भी है। कहने का मतलब फिन निफ्टी जो है इंडिया के टॉप 20 फाइनेंशियल स्टॉक का इंडाइसेस है। इस इंडाइसेस से ये पता चलता है कि इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट कैसा है, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि फिन निफ्टी क्या है। तो अब ये जान लीजिए कि इसका कंपोनेंट कौन कौन सा है। कहने का मतलब फिन निफ्टी में वे 20 स्टॉक कौन कौन से हैं और इस इंडाइसेस में हर एक स्टॉक का वेटेज कितना है। तो पहले नंबर पे HDFC बैंक आता है, जिसका वेटेज 22.87% रहता है। फिर सेकेंड नंबर पे ICICI बैंक आता है, जिसका वेटेज 19.81% है। फिर थर्ड में है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसका वेटेज 15.16% है। फिर फोर्थ में आता है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका वेटेज 8.44% है। फिर पांचवें नंबर पे एक्सिस बैंक आता है, जिसका वेटेज 8.05% है। और इसके अलावा और भी जो भी स्टॉक्स हैं, उसका लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब हम जानते हैं कि इसमें हम ट्रेड और इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि इसमें इन्वेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिन निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आप इसे डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, इसके लिए आपको ETF बाय करना होगा। फिन निफ्टी का ETF आता है, उसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की बात तो हो गई, और अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप जरूर जानना चाहेंगे कि आप इसमें ट्रेड कैसे करें। तो बस अब हम उसी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, फिन निफ्टी में आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। जिस तरह से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उसी तरह से इसका भी फ्यूचर बाय एंड सेल कर सकते हैं और इसका ऑप्शन भी बाय एंड सेल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका लॉट साइज 40 क्वांटिटी का है। जिस तरह से बैंक निफ्टी का 25 क्वांटिटी, निफ्टी का 50 क्वांटिटी का होता है, उसी तरह से इसका लॉट साइज 40 क्वांटिटी का है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने जाएंगे तो आपको कम से कम 1 लॉट यानी 40 क्वांटिटी बाय करना होगा, या तो आप 40 के मल्टीपल में बाय करेंगे। तो अभी तक आपको ये भी पता चल गया होगा कि फिर निफ्टी में ट्रेड कैसे करते हैं। बट अभी भी कुछ लोगों का सवाल होगा कि क्या फिन निफ्टी में ट्रेड करना सही है, क्या इससे पैसा बन सकता है। तो हाँ, बिल्कुल इससे पैसा बन सकता है। अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो आप इसमें भी ट्रेड करके पैसा कमा सकते हैं। पहले जो है फिन निफ्टी में वोलेटिलिटी यानी वॉल्यूम कम होता था, बट इसमें भी अब वोलेटिलिटी आ गया है। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसा वोलेटिलिटी नहीं मिलेगा, बट फिर भी ट्रेड करने लायक वॉल्यूम इसमें आ गया है। आप इसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, इसके ऑप्शन का एक्सपायरी जो है एवरी ट्यूसडे को होता है, यानी कि हर एक मंगलवार को इसका वीकली एक्सपायरी होता है। तो इसमें ट्रेड करने के लिए सिंपली आप अपने स्टॉक ब्रोकर में लॉगिन करेंगे एंड फिर जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी का कॉल और पुट सर्च करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी सर्च करेंगे। जैसे कि फिन निफ्टी अभी 19,000 के आसपास चल रहा है, तो अभी हम आपके सामने सर्च मारते हैं फिन निफ्टी 19,000। तो यहाँ पे आपको फिन निफ्टी का 19,000 का कॉल और पुट दिख जाएगा। तो आप जिसको भी खरीदना और बेचना चाहते हैं, उसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, फिर बाय एंड सेल करेंगे। दोस्तों, अभी हम आपको शेयर मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए अपस्टॉक को रिकमेंड करते हैं। अगर आपके पास अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलें। और अभी तक आपको फिन निफ्टी के बारे में सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपस्टॉक में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।